कहानी के अंदर आपके पास जो किरदार है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसके ऊपर कुछ रिएक्शन करना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है। कहानी के किरदार में क्या है? कहानी के किरदार में सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है और कहानी के किरदार में बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन है। मतलब कहानी के अंदर एराइल हैलाइड का पार्ट भी है और कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड का पार्ट भी है। बस में आगे, और इसके ऊपर PHS- का रिएक्शन है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड की मौजूदगी में। तो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड और PHS- एस माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। तो इसका और DMF पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक। तो कहानी के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पोलर ए प्रोटिक है, इसको देखकर SN2 की फीलिंग आ रही है। लेकिन कहानी के अंदर एराइल हैलाइड भी है, और जो एराइल हैलाइड भी है तो कहानी के अंदर SNAR की फीलिंग भी आ रही है। बस में आगे, तो दोनों पकड़ते हैं। SN2 का बेसिक क्या है? मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव, मिनिमम स्टेरिक। और SNAR का बेसिक क्या है? एराइल हैलाइड की ऑर्थो पैरा पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। तो एराइल हैलाइड के ये ऑर्थो पे NO2 लगा है, मेटा पे लगा है या पैरा पे लगा है? एराइल हैलाइड के, एराइल हैलाइड के ये NO2 ऑर्थो पे लगा है, मेटा पे लगा है, पैरा पे लगा है? मेटा पे। तो क्या इस नाइट्रो की वजह से पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ क्रिएट होगा? कहाँ क्रिएट होगा? यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ नहीं होगा। और जब यहाँ पॉजिटिव क्रिएट नहीं होगा तो SNAR हमको नहीं सोचना है। तो क्या सोचना है? SN2। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसको तोड़ना आसान होता है? सिंगल। तो सिंगल को तोड़िए और सिंगल को तोड़कर BR को निकाल दीजिए। और जब BR को निकाल दीजिए और इसके ऊपर ध्यान से देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट है। और जब कहानी के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट है तो इस बेंजीन को तो ऐसे ही बना लो। यहाँ दिया हुआ है कि BR प्लेन के बाहर है, यहाँ आपका F है और ये आपका NO2 है, ऐसे बना दिए। इसके ऊपर PHS- का रिएक्शन है। और जब रिएक्शन का साइट ये वाला है तो इसका मतलब इतने पार्ट में तो कोई चेंज नहीं है, इसे तो ऐसे ही बना लो। चलिए एनालाइज करिए। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया बेटा कि इसके ऊपर अटैक करना है और SN2 रिएक्शन करना है। तो SN2 में जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो मेंटेन रहेगी या बदलेगी? तो क्या वो रश्मिक मिक्सचर बनाएगी या इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन सोचना है? इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। तो इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन के लिए कॉन्फिगरेशन मालूम होना चाहिए। तो जो कॉन्फिगरेशन मालूम होना चाहिए तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या है? ये क्या है? क्लॉकवाइज आर आर, पहला दूसरा तीसरा हाइड्रोजन प्लेन के पीछे है तो क्या हो गया? आर, यही तो बना। और जब ये आर है तो वहां क्या चाहिए? एस। तो इसका अगर मैं मिथाइल को ऐसे ही कर दूं तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल को SPH प्लेन के पीछे कर दूं, यही तो बनेगा। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, दिख रहा आर, लेकिन हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है तो जो दिखेगा उसका उल्टा क्या बन गया? एस। बस में आगे, तो जो यहाँ है इसका अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री वहां पर सोचना है, जैसे इन्वर्जन हो जाए। अब इसी को पकड़ लो, क्या पहले में है या नहीं है? है, देखो पहला दूसरा तीसरा दिख रहा आर हो गया एस, और ये अपनी जगह पड़ा हुआ है। दूसरा है या नहीं है? गलती से भी अगर स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन कर लिया तो ये सोच सकते हो। अब गलती से भी SN1 सोच लिया तो इसका मतलब इन दोनों को सोच सकते हो। बस में आगे, गलती से SN1 सोच लिया, दोनों को सोच सकते हो, लेकिन SN2 है और इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन मतलब ये सोचना है। बच्चा तो बच्चा ही है, और बच्चा तो बच्चा ही है, अगर उसने SNAR सोच लिया तो हो सकता है फ्लोरीन हटा के ये बना दे। बच्चा तो बच्चा ही है, और जब बच्चा तो बच्चा ही है तो बच्चे ने दोनों सोच लिया, तो दोनों सोच लिया तो इसे भी हटा देगा और इसे भी हटा देगा। बस में आगे, और दोनों हटा के ये बना लेगा। तो क्या हमको SN2 सोचना है, SNAR सोचना है, दोनों सोचना है? क्या सोचना है? SN2। अब क्वेश्चन आया कि सब दोनों क्यों नहीं सोच रहे हो? इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इस तरह का रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? सही है, आधा ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं सुनना चाहता था वो नहीं बोला, क्या चाहिए? लगाया है ना, लगाया है ना, लगाया है। इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं डाल रहे हो। इवन माइनस ऑर्थो पैरा पे होता है, इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर भी हो जाता है। आपको टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है, 638 23 केल्विन, याद है फिनॉल बनाने के लिए। तो टेम्परेचर 623 केल्विन है, वहां पे 4768 के आसपास आ रहा था टेम्परेचर, तब भी था।
बस में आ गई, जो तीन तीन नाइट्रो ला रहे हो तब लिखा था कि वार्म वाटर लिखा था ना, मतलब तीन तीन नाइट्रो लाने के बाद भी वार्म करना पड़ रहा है, मतलब हल्का फुल्का टेम्परेचर तो देना ही पड़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर। डबल वन कैरेक्टर को तोड़ना है, मतलब एक लकड़ी है इसको तोड़ना है और दो लकड़ी है इसको तोड़ना है, तो एक लकड़ी को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी दो को, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर। चलिए और अच्छा क्वेश्चन देते हैं, मान लो बच्चे के दिमाग में आ ही गया कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए, तो हम दे देते हैं। यहाँ मान लो इसने लगा दिया था आपका Br, ऐसे दे दिया, यहाँ यहाँ लगा दिया था NO2, और यहाँ मान लो F लगाया था, मैं यहाँ का F हटा के यहाँ F लगा देता हूँ, F लगा देता हूँ, अब तो ऑर्थो पे हो गया ना। अच्छा अब ऑर्थो पे हो गया, अब रिएक्शन कौन सा कराएं, यहाँ पे कराएं या यहाँ पे कराएं या दोनों जगहों पे कराएं, इसी रिएक्शन कंडीशन पे, इसी रिएक्शन कंडीशन पे अगर फ्लोरीन यहाँ होता तो रिएक्शन यहाँ कराएं, यहाँ कराएं, दोनों जगहों पे कराएं, अब भी रिएक्शन यहीं पे कराएं। क्यों कराएं, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, दो लकड़ी को तोड़ना डिफिकल्ट है। और आपको ऐसा लग जरूर रहा है कि नाइट्रो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, सही बात है क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपको ये फील नहीं हो रहा है कि इस नाइट्रो के कारण जब यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा तो इसका लोन पेयर फिर से इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट कर देगा। बस में आगे, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट कर दिया तो इधर से लेकर यहां तक रेजोनेंस आ गया ना, आ गया नहीं आ गया, तो दैट मीन सिंगल को ही तोड़ना आसान होगा, पार्सल डबल को तोड़ना डिफिकल्ट होगा। तो नाइट्रो प्लस पार्सल पॉजिटिव बढ़ाता जरूर है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिना गर्म की हम फ्लोरीन को निकाल देंगे, हमें गर्म तो करना ही करना है। बस में आगे, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट SnAr के लिए क्या होता है, टेम्परेचर। बस में आगे, SnAr के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर। कोचिंग वाले जनरलाइज करने के लिए कह देते हैं कि ऑर्थो पैरा पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा होगा तो SnAr करा देना, लेकिन साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर। बस में आगे चलिए फिर से आते हैं, तो कहानी में जो किरदार लाया वो किरदार क्या लाया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। किरदार क्या लाया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिससे बच्चे को फील आ जाए कि SN2 रिएक्शन। बस में आगे, लेकिन ऑप्शन जो बनाया उसमें SN2 SnAr को मिलाया भी है, मतलब गलती से बच्चे ने इसको हटाया तो ये तैयार है, इसको इसको और इसको दोनों को हटाया तो ये तैयार है, केवल इसको हटाया तो इसका ये तैयार है। लेकिन अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं सोचा, इन्वर्जन नहीं सोचा, तो हो सकता है रिटेंशन सोच के ये बना ले, लेकिन इन्वर्जन सोचा तब ये बनाएगा, क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। चलिए फिर से बताइए, SN1 सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। SN2 सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक। SnAr सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव ऑन द कार्बन डायरेक्टली अटैच विद हेलोजन, ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन साथ में हाई टेम्परेचर बना लोगे। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा, आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊं। तो है बेटा, अमेजन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा दो पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है, मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ IIT और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं, मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो, अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। एलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप IIT एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शन को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाए।
और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीप फीस, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिविजन कर पाएँ तो यहाँ पे आपके पास 30-day चैलेंज, ये दो वॉल्यूम में है, एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाले बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45-45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम एक महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका दो वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये दो कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।